आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये महोत्सव है देश के विश्वास का, नए संकल्पों के साथ का। नए सुबह के नए गगन में आओ हम सब मिलकर ये दोहराएं और आज़ादी के मतवालों के लिए अपना शीश नमन में दोहराएं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। साथियों, किसी भी देश का उज्जवल भविष्य ये तय होता है उस देश की विरासत से, उस देश की संस्कृति से और उस देश के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से। आज जिस आज़ादी का हम सब अमृत चख रहे हैं, उस आज़ादी के लिए हमारे देश के मतवालों ने, हमारे देश के वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। छत्तीसगढ़ की धारा ने भी ऐसे कई वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अपने आज़ादी के हवन कुंड में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आइए आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे उस देश के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में वापस लौटने की और उन पन्नों को जीने की। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। आप हैं श्रीमती सविता पाठक, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप हैं श्री आशीष सिंह, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जो बात आप दोनों को बेहद ही खास बनाती है वो है आपकी समृद्ध विरासत, जिसके बारे में अपने कार्यक्रम में आगे हम जरूर चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आशीष जी, अगर हम बात करें आज़ादी के आंदोलन की, तो इसकी आधिकारिक तौर पर जो शुरुआत हुई थी वो सन 1857 में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में भी जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था वो लगभग इसी काल के दौरान हुआ था, 1857 में। कौन सी ऐसी घटना थी जिसने इस चिंगारी को पैदा किया? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई, हम मान सकते हैं कि ये पेट की भूख से जो चिंगारी भड़की थी, आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। 1856 में अकाल पड़ा था और सोना खान में बहुत लोग परेशान हो गए थे, तो वहाँ के जमींदार नारायण सिंह ने आसपास के जमींदारों से और लोगों से, व्यापारियों से अनाज की मांग की। कुछ लोगों ने उनकी मदद की और कुछ लोगों ने अकाल को एक ऐसा मौका बना लिया कि जिससे जमाखोरी और मुनाफाखोरी वो कर सकें। उसमें एक व्यापारी था, माखन नाम था उसका, नारायण सिंह ने उसके गोदाम से अनाज लिया और उतना ही अनाज लिया जितना भूखी जनता को वितरित करने के लिए पर्याप्त हो। और उसके बाद माखन ने रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके पास अपील की, शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा गोदाम लूट लिया गया है। हुआ ये कि नारायण सिंह के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और नारायण सिंह को सोना खान से पलायन करना पड़ा था। ये उसकी पृष्ठभूमि है। और उसके बाद नारायण सिंह की गिरफ्तारी की सूचना जब उनको मिली तो वो संबलपुर की तरफ बढ़े। अच्छा। और संबलपुर के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि संबलपुर की तरफ नारायण सिंह क्यों गए? संबलपुर के जमींदार थे सुरेन साय। अच्छा। वो भी बड़े क्रांतिकारी थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनका संघर्ष चल रहा था। तो हो सकता है कि दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच वो एक संपर्क सूत्र था और गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण सिंह संबलपुर की ओर गए, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। हम सब जानते हैं कि फिर नारायण सिंह को रायपुर में रखा गया, उनका ट्रायल हुआ और लगभग 10 महीने तक वो रायपुर जेल में रहे। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में 1856 में वो जेल से फरार हो गए, निकल भागने में कामयाब रहे, सोना खान वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने किसानों की, मजदूरों की और सोना खान और आसपास के जमींदारियों के युवाओं की एक सेना बना ली और कहा जाता है कि लगभग 500-600 जवान उसमें शामिल थे। अच्छा। जो हथियार चलाने में निपुण थे, जिनको युद्ध की कला का प्रशिक्षण भी मिला हुआ था। और उसके बाद रायपुर से डिप्टी कमिश्नर को आदेश हुआ कि वो नारायण सिंह की गिरफ्तारी के लिए सोना खान मार्च करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोना खान एक बहुत छोटी सी जमींदारी थी, नारायण सिंह को भी बहुत शक्तिशाली जमींदार भी नहीं थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए इलियट को, जो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे स्मिथ, उन्होंने उसको डेपुट किया था। उनको तैयारी करने में लगभग 2 महीने का समय लग गया। अच्छा। और इस 2 महीने में
उनको नागपुर से फोर्स बुलवानी पड़ी, रायपुर में जो फोर्स थी वो फोर्स लेके गए, उसके बाद उनको बलौदा बाजार से मदद मांगनी पड़ी, उनको बिलासपुर से मदद मांगनी पड़ी, उनको शिवनी नारायण से मदद मांगनी पड़ी, आसपास की 5-7 जमींदारियों से उनको जब मदद मिली तब वो सोना खान की तरफ आगे बढ़ पाए। मतलब कितने वीर रहे होंगे वीर नारायण सिंह की इतनी तैयारी ब्रिटिश हुकूमत को करनी पड़ी उनको उनसे लोहा लेने के लिए। जी जी। तो ये जो शुरुआत थी जो वीर नारायण सिंह ने जो हमारे महानायक थे इस आंदोलन के जो सन 1857 में उन्होंने इस चिंगारी की इस मशाल की शुरुआत की। सविता जी आधिकारिक तौर पर मैंने जैसा कि आशीष जी से पूछा कि 1857 से आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी लेकिन जो हमारी छत्तीसगढ़ की धरा है उसमें ये चिंगारी तो बहुत पहले ही सुलग चुकी थी और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इस चिंगारी को एक मशाल का रूप दे दिया था तो उसके बारे में आप ज़रा हमें जानकारी दीजिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में 1857 से पहले आज़ादी का की चिंगारी फूट चुकी थी और ये करीब 1791 के आसपास छत्तीसगढ़ को श्रेय जाता है कि जब पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल नहीं फूका था उसके पहले यहाँ पे आज़ादी के लिए विद्रोह हो चुका था। और यह श्रेय जाता है दूरस्थ प्रांत बस्तर को जहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उनमें प्रमुख रूप से थे आपके गुंडाधूर और बाद में उनका इधर वीर नारायण सिंह की मौत के बाद हनुमान सिंह का भी नाम आता है और उसके उत्तर काल में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो श्यामलाल सोम का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी जी। तो जो आप आज़ादी की चिंगारी की बात कह रही हैं वो दक्षिण इलाके में बस्तर में बहुत पहले फूट चुकी थी और उसमें जो गुंडाधूर पात्र है उसने विद्रोह करके अपने साथियों सहित पुलिस के ऊपर आक्रमण कर दिया था। बताया जाता है, मुझे इसकी ऑथेंटिक जानकारी मैं नहीं जानती, बताया जाता है कि उसको संभालने के लिए पुलिस फोर्स को 6 घंटे तक संघर्ष करना पड़ा। अच्छा। उसके 17 साथी गिरफ्तार हुए जिन्हें फांसी दे गोली से मारे गए। हाँ हाँ। और अनेक साथियों को गिरफ्तारी की गई पर गुंडाधूर कहाँ गायब हुए ये पता नहीं चला अंत तक के। अच्छा। तो गुंडाधूर के जो मार्गदर्शक थे वो वहाँ की रानी साहिबा थी सुवर्ण देवी और उनके जो उन्हीं के परिवार के थे कलिंजर सिंह, ये दोनों मार्गदर्शक थे आज़ादी के जो विद्रोह हुआ उसका, उनके निर्देशन में गुंडाधूर ने विद्रोह किया था। तो आशीष जी कितना गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ की धरा ने ये जो मशाल पैदा की थी ये 1857 में जब पूरा देश जागृत हो रहा था उससे कहीं पहले ही ये लग चुकी थी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन थे जो वीर थे जिनको कि अंग्रेज़ों ने जिनसे लोहा लिया तो उनको भी बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी, तो इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप? वास्तव में देखा जाए मोनिका जी तो छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह की शुरुआत हम मानते हैं मराठों के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बिल्कुल वो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा सरगुजा। हाँ हाँ। 1792 में वहाँ से चिंगारी फूट चुकी थी विद्रोह की जी। और अंग्रेज वो दबा नहीं सके। तो क्या कारण था इस विद्रोह की चिंगारी का? मुख्य रूप से कारण ये था कि अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि भारत में हम बिजनेस करने या व्यापार करने आए हैं तो यहाँ शासन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने राजमहलों में हस्तक्षेप बढ़ाया, जमींदारियों में उन्होंने हस्तक्षेप बढ़ाया और कुछ को बेदखल करना, कुछ को गद्दी पर बैठाना। बिल्कुल। तो ये बातें हमारे आसपास के जो जमींदारियाँ थीं जो राजा थे वो तो समझने लग गए थे कि इनका उद्देश्य वास्तव में है क्या। तो इसके खिलाफ वो संघर्ष करने को तैयार हो गए। तो अजीत सिंह जो सरगुजा के राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था, पलामू बिहार में है और उसका एक परगना है बरवे। बरवे अंग्रेजों के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था जी। तो उन्होंने उस पर हम आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया था। तो ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कि एक देशी राजा एक देशी जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा हो गया और उनके सत्ता को वो चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी कर्नल जोन्स आए और तब तक संग्राम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तो उन्होंने बढ़िया मौका देखा और उनकी विधवा रानी के संरक्षण में अजीत सिंह का जो नाबालिग पुत्र था बलभद्र उसको उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया।
वस्तुतः होना ये चाहिए था कि अजीत सिंह के भाई संग्राम सिंह को वो उत्तराधिकार मिलता जी। संग्राम सिंह को ये मंजूर नहीं हुआ और उस समय बाद उसने रानी का वध कर दिया। उसके बाद फिर फोर्स आई, संग्राम सिंह को वहां से पलायन करना पड़ा और फोर्स के जाते संग्राम सिंह ने फिर कब्जा किया और फिर 1813 तक वो सरगुजा के निष्कंटक राजा बने रहे। मतलब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस जाए और संग्राम सिंह को वो गद्दी से हटा सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज ये हुई कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में 1792 में और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण हिस्सा है बस्तर, वहाँ 1825 में 1857 के पहले विद्रोह हो चुके थे और सफल विद्रोह कहना चाहिए इसको। जी जी, तो ये जो आज़ादी की जो मशाल जली थी इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना में, जो कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है, जिसका नाम है कंडेल सत्याग्रह। तो उसके बारे में अगर आप सविता दीदी हमको जानकारी देना चाहें, कंडेल सत्याग्रह इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई? कंडेल सत्याग्रह के अंतर्गत तीन सत्याग्रह प्रमुख हैं, एक तो जंगल सत्याग्रह, दूसरा नहर सत्याग्रह और तीसरा झंडा सत्याग्रह जो मैंने पढ़ी है जी। और इसके प्रमुख नायक थे, जन्मदाता थे श्याम लाल सोम। तो हुआ ये था कि जंगल जो नैसर्गिक रूप से आदिवासियों का होता है बिल्कुल, उसमें गवर्नमेंट ने इनके निस्तारी और चरी पे रोक लगा दी थी जी। जबकि वो सब अपने सिर्फ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी लेके आते थे, लेकिन उनको मनाही हो गई थी जी। तो वो उन्होंने कानून भंग किया कि नहीं, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, हम नहीं मानेंगे आपका कानून। असहयोग वहाँ से शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, झूठा आरोप लगा, नहीं सॉरी ये तो नहर सत्याग्रह का है, इसका मामला जो चला जंगल सत्याग्रह का, उसका इन्होंने सदारत की श्यामलाल सोम ने जी। और समहाउ आंदोलन चलने के बाद उसको काम काबू करने में वो कामयाब हो गए। हाँ हाँ। बंद हो गया वो जी। जंगल सत्याग्रह जी। लेकिन नहर सत्याग्रह के बाद बात दूसरी थी। हाँ हाँ। उसमें ग्रामीण पे झूठा आरोप ये लगाया गया कि वो नहर का पानी चुरा रहे हैं जी। उन पे मामला कायम किया गया, उन पे टैक्स लगा दिया गया जी जी जी। तो उन्होंने मना किया, हम चोरी तो हमने की नहीं है और हाँ। पानी का टैक्स हम देंगे भी नहीं जी जी। तो उनके खिलाफ अदालत में मामला चलाया गया, इन्होंने भी अपील की ग्रामवासियों ने, और फिर संयोगवश ऐसा रहा कि उस दरमियान धुआंधार बारिश हुई। हाँ हाँ। जब धुआंधार बारिश हुई तो पानी चुराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इंक्वायरी बैठी तो सरकार के आरोप गलत साबित हो गए। हाँ हाँ। पक्ष ग्रामीणों का जीत गया। इसी बीच उन लोगों को ये खबर मिली कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति न बिगड़े इसलिए आनंद फानन में सरकार ने टैक्स वापस कर लिया जी। जब टैक्स वापस हुआ तो ऑटोमेटिकली सत्याग्रह बंद हो गया जी। इस तरह जी। नहर सत्याग्रह का पटाक्षेप हुआ। तो ये जो कंडेल सत्याग्रह है, नहर सत्याग्रह है, इससे गांधी जी भी बहुत अभिभूत हुए थे। हाँ। और जो छत्तीसगढ़ का अगर हम आंदोलन की बात करें तो उसमें तिलक जी और गांधी जी, इन दोनों का बहुत ही एक अमिट छाप रही है। तो गांधी जी का जब आगमन हुआ छत्तीसगढ़ की धरा पर, तो आप उस उन पलों को हमको फिर से दोहराइए और उन पलों में वापस हमको ले चलिए जब 1920 में गांधी जी छत्तीसगढ़ की धरा पर उन्होंने अपने पैर रखे, तो उस टाइम पे क्या कैसा माहौल था, क्या चित्र था? जी देखिए, गांधी जी के भारत आने से पहले पूरे देश भर में, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत तक तिलक जी का एक बहुत बड़ी उनकी प्रभावशाली भूमिका थी। तिलक जी की मृत्यु के बाद फिर गांधी जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो स्थापित हुए। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो क्रियाकलाप थे, उनका जो सत्याग्रह का जो एक नया प्रयोग था, उसकी चर्चा भारत में होने लग गई थी और लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे थे कि ये सत्याग्रह नाम की चीज है क्या। सत्य के लिए आग्रह ही एक बहुत नया नाम था उस समय। बिल्कुल। तो गांधी जी ने ये पहला प्रयोग किया था बिहार के चंपारण में, सफल रहा, और उसके बाद वो पूरा भारत भ्रमण में निकले हुए थे। इस बीच कंडेल नहर सत्याग्रह की बात हुई, सुंदरलाल शर्मा को
गांधी जी से मिलने के लिए, उनको बुलाने के लिए भेजा गया, वो लेके आए। हमने जो अपने घरों में सुना तो गांधी जी जब आए तो ऐसा एक अद्भुत वातावरण रायपुर में बना हुआ था। शाम को वो ट्रेन से पहुंचे, यहाँ बैरिस्टर ठक्कर के निवास में उनको ठहराया गया। दूसरे दिन वो हम कंडेल के लिए रवाना हुए, रास्ते भर उनका स्वागत सत्कार, और यहाँ जितने प्रमुख नेता थे, उस समय कांग्रेस स्थापित तो हो गई थी लेकिन विधिवत रूप से कांग्रेस का वो प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ तो थे। तो वो तमाम नेता जैसे रविशंकर शुक्ल जी हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, सुंदरलाल शर्मा हैं, तो ये सब गांधी जी के साथ धमतरी गए। वहाँ छोटेलाल श्रीवास्तव जी, जिनको हम कंडेल नहर सत्याग्रह का जनक मानते हैं, वो थे। नारायण राव मेघावाले थे, नत्थू जी जगताप थे, और बहुत बड़ी संख्या थी वहाँ। बहुत गांधी जी का स्वागत हुआ, वो लौट के आए, और बल्कि धमतरी जाने से पहले गांधी जी की एक बड़ी सभा रायपुर में हुई। हाँ। और जिस स्थान में हुई उसको हम गांधी चौक कहते हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ही पूजनीय स्थल है। जहाँ जहाँ गांधी जी के पैर पड़े, गांधी चौक ले लीजिए या आनंद समाज लाइब्रेरी है। धमतरी से वो जब लौट के आए जी, तो उनकी सभा हुई आनंद समाज लाइब्रेरी के ठीक बगल में, एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था। अच्छा। और उस टेनिस कोर्ट में एक स्टेज भी था। हाँ। जहाँ एक दिन पहले बिल्व मंगल नाम का एक नाटक खेला गया था, और उस नाटक में, मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ रायपुर के, ब्राह्मण पारा के, ब्राह्मण पारा के नौयुवक उस नाटक में काम कर रहे थे। गांधी जी की सभा आनंद समाज वाचनालय में हुई। वो जब गए सभा स्थल से, उसके कुछ देर के बाद वो स्टेज, वो मंच बिल्कुल समतल मैदान में बदल गया। लोगों में गांधी जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि लोग स्मृति स्वरूप एक एक ईंट वहां से ले गए थे। ये गांधी जी का करिश्मा था। जी, जबकि गांधी जी उस समय एक पूर्ण रूप से वो विस्फोटित नहीं हुए थे उस समय। बिल्कुल, गांधी जी का तो उस समय आगमन ही हुआ था। जी जी जी, तो ये एक उनका जादुई व्यक्तित्व बोला जाएगा, जिन्होंने मेरे ख्याल से सविता जी महिलाओं पर भी अपना काम किया, और गांधी जी महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग मांगते थे, और उनका ऐसी सोच थी कि बिना महिलाओं के तो ये आंदोलन बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो महिलाओं से उन्होंने क्या आह्वान किया, असहयोग आंदोलन की बात करें या हरिजनोद्धार की बात करें, तो गांधी जी ने कैसे आह्वान किया और महिलाओं में कैसे एक जोश का संचार हुआ और वो इस आंदोलन में कूद पड़ी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की अगर बात करें। मैंने जो पढ़ा है, और जो मेरा तो जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है, सुना है, उसके आधार पे जी मैं बताती हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा था। हाँ हाँ। 1947 में मैट्रिक पास की थी, जब पुरुष नहीं पढ़ा करते थे सेंट पॉल स्कूल से जी। वो टोटली इतनी गांधीवादी थी, खुद चरखा काटती थी, खुद सूत बना तकली काटती थी, बुआ को भी मैं तकली काटते, अपने कपड़े खुद बनवाते, खादी भंडार में भेजते देखा है जी, बाद में 77 काल में, तो पहले क्या रहा होगा। तो महिलाओं के लिए जो गांधी जी की मन में धारणा थी, उसका सिर्फ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में अमूमन सभी महिलाएं अपने पति के लिए, अच्छे पति की कामना के लिए व्रत करती हैं। तो किसी ने बापू से एक बार पूछ दिया था कि बापू, क्या कारण है कि महिलाओं के लिए विधान है अच्छे पति के लिए व्रत का, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बापू ने कहा था, इसलिए कि हिंदुस्तान की महिलाएं प्रायः ज्यादा अच्छी ही होती, उन्हें उपवास की जरूरत ये उनकी वाक्पटुता भी बोली जाएगी, वाक्पटुता भी है, उनकी दृष्टि भी है जी, उनकी दृष्टि भी है जी। और महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए वो संबंध रहे, उसका असर ये रहा कि न केवल महिलाएं, छोटे बच्चों से गांधी का करिश्मा इतना ज्यादा था कि उसके करिश्मा से न बच्चा बच सका, न महिलाएं बच सकी, न पुरुष वर्ग वृद्ध बच सके। बिल्कुल। और उस क्रम में यहाँ केतकी बाई, राधा बाई, फूल कुंवर इत्यादि इतनी जो भी महिलाएं हुई, ये उन महिलाओं के नाम है जिन्होंने उस दरमियान, जब मर्यादित समाज था, औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया था, तब उन्होंने अपने घर की चौखट लांग के
झंडा उठाया था, आंदोलन किया था और कुछ एक ने प्रताड़ना भी सही थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो महिलाओं ने भी मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया आंदोलन में और घर से बाहर निकलना उन दिनों में काफी बड़ी बात मानी जाती थी, क्रांतिकारी कदम माना जाता था। तो उसके बावजूद महिलाओं ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उन लोगों ने अपने जेवर भी दान कर दिए, जेवर भी दान किए आह्वान पर, उनके आह्वान पे। और ये भावना मैंने खुद अपनी आंखों से देखी तब जब 65 में चाइना आक्रमण हुआ, एनडीएफ के लिए चंदा इकट्ठा करने इंदिरा गांधी जी आई, मैं बच्ची थी, ऐसे उनके बाजू में खड़ी थी सर्किट हाउस में इंदिरा जी के जी। तब मेरी माँ ने अपने माँ का अंतिम गहना जो स्मृति स्वरूप दिया गया था उसको उन्होंने एनडीएफ में दे दिया जी। जी, बड़े होने पर मुझे महसूस हुआ कि इस भावना के बीच असहयोग आंदोलन में है। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि आपकी जो ज्ञान है वो तो एक आपकी विशिष्ट पहचान है ही, साथ ही मैं ये मैं थोड़े से पल चुराना चाहूँगी कि आपका जो एक समृद्ध विरासत है आपके परिवारों की, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो हैं, जो आपके दादाजी थे, जो महानायक थे स्वतंत्रता आंदोलन के छत्तीसगढ़ के, और वहीं पे स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा जी, ये महानायक रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, तो क्या कुछ माहौल रहता होगा आपके घर में, क्योंकि इनका प्रभाव अभी तक तो होगा, तो अगर अपने बचपन की यादों को आप फिर से पुनर्जीवित करें तो क्या कुछ माहौल था जो उनकी विरासत आपको मिली है? देखिए, हम लोगों का जन्म तो स्वतंत्रता के बहुत बाद हुआ जी, हमने अपने दादाजी को देखा नहीं, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दादाजी के अलावा मेरे पिताजी, मेरे दो बड़े पिताजी जी, वो भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे जी। कभी कभी इन लोगों से चर्चाएं सुनने को मिला करती थी कि कितना संघर्ष उन्होंने देखा है और किस किस्म के अत्याचारों का सामना उन्हें करना पड़ा था। 1930 की बात है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को गिरफ्तार किया गया था 26 जनवरी को। वो राजनीतिक बंदी थे, राजबंदियों के लिए उस समय जेल में बी क्लास हुआ करता था, लेकिन उनको रखा गया सी क्लास में। सी क्लास में अपराधियों को ही रखा जाता था जो गंभीर किस्म के अपराधी हैं। तो 1.5 महीने उनको उनके साथ रहना पड़ा था। जब रायपुर शहर को यह बात पता चली, तब यहाँ आंदोलन हुए, हड़ताल हुई, तब उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया। सी क्लास में अमूमन कैदियों से जो काम लिया जाता है, कठोर परिश्रम हम जिसको कह सकते हैं, कठोर कारावास, सश्रम कारावास, ये उनको हुआ था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से निष्कासित किया गया था। बहुत अच्छी संपत्तिवान थे, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वकालत छोड़ दी, मतलब आजीविका का एक साधन, एक जरिया उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने फिर कभी वकालत नहीं की, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। और 1920 के बाद जिन वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी उसमें लगभग 4-5 महीने बाद सबने वापस ले ली थी। ये एकमात्र ऐसे थे, 2 या 3 मध्य प्रदेश में थे, जिन्होंने जिंदगी भर फिर कभी वकालत नहीं की, वो तो कभी कोर्ट गए नहीं। तो ये आजादी का जुनून था, जुनून जो कि उनकी रगों में, उनकी परिवार की विरासत घर में फूंक के जो तमाशा देखने वाले हैं, घर फूंका था एक्चुअली उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भामाशाह कहा जाता था। जी जी जी, आज के छत्तीसगढ़ का भामाशाह कहा था, जिसने पूरी संपत्ति दान कर दी और आजीवन अनिकेत रहने का संकल्प ले लिया। जी जी, तो ये तो मतलब हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महानायक जो है हमारी धरती पर पैदा हुए। ये हम एक को जानते हैं, इसके अलावा तो आजादी के आंदोलन में असंख्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े जिन्होंने त्याग किए हैं। जी 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 जी, चलते चलते आशीष जी और सविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल जो हमारे देश में आजादी के रंग निखर रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा कैसा हो? मोनिका जी, तिरंगा तो दिल में रहता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और हम तो अपने बचपन से अपने घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनुमति थी, आजकल तो रोज तिरंगा फहराने का आदेश हो गया है जी। तो तिरंगा तो हम अपने घर में फहराते हैं, और मैं तो चाहूँगा कि देश का एक भी घर ऐसा ना बचे जहाँ 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में
जो अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सविता जी, हर घर तिरंगा के बारे में आपके बहुमूल्य विचार। झंडे की महत्ता से एक कथा मुझे याद आ रही है जी। शायद वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और फ्रांस का नवयुवक था। लड़ाई में उससे किसी ने झंडा लेने की कोशिश की तो झंडा बचाने के प्रयास में वो बहुत आहत हो गया और अंत में घायल अवस्था में वो छाती में लपेट के झंडा वापस आया। और जब अपनी ज़मीन पे पहुंचा तो लोगों ने उसे उठाया तो गिर गया, तो उसने कहा तुमने झंडा सरेंडर कर दिया, तो उसने कहा महाशय झंडा मेरी छाती में बंधा हुआ है, जब खोल के देखा गया तो झंडा उसकी छाती में। ये झंडे की महत्ता होती है, वो दिल में रहता है, दिमाग में रहता है। बिल्कुल। उसके लिए जो कुछ भी करे आदमी कम है। तो हर घर में झंडा फहराने में किसे आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वो तो हमारा और हमारे देश प्रेम के बीच के तादात्म्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। हम उसको अभिव्यक्त करें अपने देश प्रेम के भाव को जी, और होना भी चाहिए। हाँ। और ज्यादातर लोग हैं भी इस भावना के। हमारे देश में अब इतनी जागरूकता आ गई है कि झंडे की महत्ता को समझें। कुछ एक जो है उनके लिए बताया जा रहा है, वो भी कोई गलत नहीं है। और हम तो मानते हैं कि हर देश में, हर घर में झंडा तिरंगा। बहुत खूब बहुत खूब। तो इन्हीं सुंदर विचारों के साथ कि तिरंगा तो दिल में होता है और मेरे ख्याल से हर किसी को खुलकर अभिव्यक्ति करना चाहिए और अपने देश में अपने हर कोना जो है वो जो झंडे के तिरंगे के रंग है उनसे सराबोर हो जाए। इतनी खूबसूरत आप तरीके से आपने उन पलों को जिया और आज़ादी के जो स्वर्णिम पल हैं उनमें हमको वापस लेके और हमको एहसास कराया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, इस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं और आज़ादी का अमृत हम चख रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने जैसा कि हमारे मेहमानों ने हमें एहसास कराया है कि तिरंगा जो है वो हमारे दिलों में होना चाहिए और साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को अब पूरी तरह से सफल बनाए। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।